हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इज इक्वल टू 3 इन वन वेरिएबल एंड इन टू वेरिएबल्स। आपको इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। इक्वेशन y इज इक्वल टू 3 कैन बी रिप्रेजेंटेड इन वन वेरिएबल और नंबर लाइन लाइक दिस वन। ये आपकी नंबर लाइन है, सिंपल नंबर लाइन आपको बनानी है। 1, 0, 1, 2, 3 इस तरह से वैल्यू लेनी है। यहाँ तो दो दिन नेगेटिव वैल्यू ले ली। आप यहाँ पर 3 पर स्मॉल सा सर्कल लगाना और इसको पॉइंट आउट कर सकते हैं दैट इट इज़ y इज इक्वल टू 3। ये हमने सिंगल वैल्यू पे रिप्रेजेंट कर दिया y इज इक्वल टू 3। फॉर टू वेरिएबल्स y इज इक्वल टू 3 वी नीडेड ए कार्टीजियन प्लेन। कार्टीजियन प्लेन का मतलब जो ये आप इस तरह से बनाते हैं x एक्सिस एंड y एक्सिस, इस तरह से प्लेन बनाना है। टू लाइंस आर रिक्वायर्ड हियर। सो इक्वेशन क्या थी आपकी, y इज इक्वल टू 3। तो आप सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ पॉइंट x पर नोट कर दिए, -2, -1, 0, 1, 2, 3, और कुछ पॉइंट प्लॉट कर दिए y एक्सिस पर 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो आपका जो क्वेश्चन है वो क्या है, y इज इक्वल टू 3। तो आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पर 3 पर जो y इज इक्वल टू 3 है, इस पर एक सिंपल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है जो आपकी x एक्सिस की पैरलर होगी। x एक्सिस के पैरलर y इज इक्वल टू 3 पर एक लाइन ड्रॉ करनी है, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि दैट दिस लाइन इज y इज इक्वल टू 3। ये y इज इक्वल टू 3 की लाइन है। ये आ गया आपका टू वेरिएबल्स में। इसी तरह सेम सेकंड क्वेश्चन है, गिव ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x+9 इक्वल टू 0 इन वन वेरिएबल एंड इन टू वेरिएबल। अब 2x+9 को हम 0 करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -9/2। -9/2 कितना होता है, ये होता है अप्रॉक्सीमेट क्या, कम्प्लीट ही होता है -4.5। अब इसको सिंगल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। तो -4 और -5 की बिल्कुल मिडिल वैल्यू होगी यहाँ पर आपकी -9/2, दैट मीन्स -4.5। तो ये आपका फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन आ गया कि x इज इक्वल टू -9/2। ये सिंगल वेरिएबल में थी। अब टू वेरिएबल्स के लिए हमें क्या करना है, हमें कार्टीजियन प्लेन बनाना है, यानी x एक्सिस और y एक्सिस। अब हमें शो करना है x इज इक्वल टू -9/2, यानी x इज इक्वल टू -4.5। तो हम यहाँ पर पॉइंट लेंगे -1, -2, -3, -4, -5। तो हमें वैल्यू कितनी चाहिए, -4.5 यानी -9/2। तो जो ये 4 और 5 है, यहाँ पर जब हम यहाँ नेगेटिव डायरेक्शन में -4 लेंगे और यहाँ लेंगे -5, तो इनके जो बिल्कुल मिडल में आएगा -4.5, यहाँ पर आपको क्या करनी है, -4.5 पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। जो ये स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस के पैरलर में, ये जो स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ की, ये रिप्रेजेंट करेगा x इज इक्वल टू -9/2, दैट मीन्स x इज इक्वल टू -4.5। तो ये आपकी रिप्रेजेंटेशन हो गई टू वेरिएबल्स में। तो दो ही क्वेश्चन हैं, बिल्कुल सिंपल हैं, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, अच्छे से करना। बाकी नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6। थैंक यू।